जय माँ दुर्गा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं और साथ ही साथ दोस्तों सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन नवरात्रि के दिनों की विशेष तौर से लोगों को चाहत होती है कि कब नवरात्रि आए और वह कुछ उपाय करके अपने जीवन के अंदर हर सुख को हासिल कर पाए। दोस्तों, आज हम आपको इसी विषय के अंदर एक विशेष तौर से नारियल का उपाय बताने वाले हैं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो दोस्तों आप उसके बाद नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख है या किसी प्रकार का आपके घर के अंदर दोष है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा लिखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं उपाय की कि नवरात्रि के दौरान इस उपाय का क्या फल रहता है। दोस्तों, नारियल हिंदू धर्म के अंदर पूजा के पता नहीं कितने सालों से, प्राचीन काल से ही नारियल का विशेष महत्व रहा है। कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाया है कि पहली बार नारियल की पूजा कब की गई थी। वैसे तो दोस्तों नारियल को जटाधारी शिव से जोड़कर भी देखा जाता है, लेकिन माता रानी की पूजा के अंदर भी नारियल का विशेष महत्व रहता है और वह नारियल आपके जीवन के अंदर सारी खुशियों को अपने आप ही लेकर आ जाता है। इसी वजह से दोस्तों नवरात्रि के दौरान यह नारियल का गुप्त उपाय करने वाला अपने जीवन के अंदर उन चीजों को प्राप्त कर लेता है, सांसारिक सुखों को हो, यश वैभव कीर्ति हो, परिवार के अंदर अशांति को समाप्त करना हो, बस आप नारियल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपको यह नारियल का एक अनोखा उपाय नवरात्रि के दिनों के दौरान यहां पर रखने के लिए बताएंगे। तो बात करते हैं उपाय की कि आपको कैसे उपाय करना है। दोस्तों, आपने जब भी आपने अपने पूजा के लिए नया नारियल लाया होगा, तब आपने देखा होगा जब आपने जटाधारी नारियल को छीला होगा, उसके अंदर 3 आंखें रहती है, 2 आंखें रहती है या 1 आंख रहती है, जो इस फोटो के अंदर आपको बता रहे हैं। इस प्रकार से उस नारियल के अंदर आंखें रहती है। दोस्तों, उनके अंदर विशेष तौर से जब आँखों वाले आपको नारियल मिलते हैं, जिसके अंदर आपको कृपा प्राप्त होती है, उसके अंदर होते हैं 2 प्रकार के नारियल। एक तो एकाक्षी नारियल, एकाक्षी नारियल उसे कहा जाता है जिसे साक्षात माता रानी का रूप माना जाता है। एकाक्षी नारियल दोस्तों लाखों नारियल के अंदर एक ही नारियल होता है जिसके 1 आंख होती है। वह नारियल दोस्तों अगर नवरात्रि के दौरान आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा होता है। वह नारियल तो दोस्तों अगर आपके पास एक बार आ गया तो उसे अपने घर के अंदर स्थान दे देना चाहिए, घर के अंदर देवी शक्ति मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए, न कि उस नारियल को आपको कहीं बाहर फेंकना या खाना चाहिए। अगर आपको एकाक्षी नारियल प्राप्त नहीं होता तो सहजता से नारियल प्राप्त हो जाता है 3 आंखों वाला नारियल। 3 आंखों वाले नारियल को महादेव का प्रतीक माना जाता है और साथ ही साथ तंत्र विद्या के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आप क्या करें कि आप अपने घर के अंदर नारियल लेकर आ जाए, जटाधारी आपको नारियल लेकर आना है, उसके ऊपर आप क्या करें कि एक स्वास्तिक का आपको निर्माण कर देना चाहिए। स्वास्तिक इसीलिए बनाया जाता है कि वह नारियल पूर्ण सात्विक और सकारात्मकता से भर जाता है, उसके आसपास की जो नकारात्मकता होती है वह वहां से कोसों दूर चली जाती है। उसका सहस्त्र गुना प्रभाव आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर देखने को मिलता है। इसी वजह से स्वास्तिक का निर्माण कर दें। उसके बाद आप क्या करें कि उसके ऊपर एक लाल धागा बांध दें। लाल धागा बांधने के तत्पश्चात आप क्या करें, आपके घर का जो पूजा घर होता है वहां पर एक छोटा सा आप लकड़ी का स्थान भी ले सकते हैं, लकड़ी नहीं है तो स्टील का कोई भी पात्र ले लें और उसके ऊपर क्या करें कि एक लाल धागा, सॉरी आपको लाल कपड़ा रखना चाहिए। लाल कपड़ा रखने के तत्पश्चात आप क्या करें कि लाल कपड़े के अंदर आपको 11 रुपए दबा देने चाहिए और उसके ऊपर आपको इस नारियल को स्थापित कर देना चाहिए। अब दोस्तों नवरात्रि के किसी भी दिन आप कर सकते हैं, पहले दिन से लेकर 9वें दिन तक आप इसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब आप क्या करें कि उस नारियल की आपको रोजाना अपने घर के अंदर पूजा करनी चाहिए, आपको नवरात्रि के दौरान इसकी पूजा करनी चाहिए। अब आप जब भी पूजा करें तब आप क्या करें, इसके ऊपर थोड़े से आपको चावल का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसे देवी रूप मानकर आपको पूजा करनी चाहिए, ऐसा ही साधारण नारियल मानकर आपको इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जिससे क्या होता है दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों की जब आप पूजा करते हैं तो सकारात्मकता इस नारियल के अंदर होती है, वह आपके जीवन के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर काम आती है। दोस्तों, आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा होती है तब आपको क्या करना चाहिए, इस नारियल को अपने हाथों के अंदर लेकर आप अपने सर पर इसका स्पर्श करें, उसके बाद आप जो भी मनोवांछित इच्छा मांगते हैं, आपकी जो भी जैसे विवाह की इच्छा हो, नौकरी की इच्छा
अच्छा हो, आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपका व्यापार उत्तम गति से बढ़े, आप ऐसी मनोकामना मांगकर इस नारियल को वापस ही लाल कपड़े के अंदर रख देना चाहिए। आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर पूरी होगी। आप क्या करें कि नवरात्रि की जब आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाए तब आपको अपने नियमित उपाय करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर आपको नजर दूस होता है, आपको आकस्मिक दुर्घटना का भय होता है, लगातार आप किसी न किसी विपदा के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब आप क्या करें कि इसे नारियल को एक काले कपड़े के अंदर आपको बांध देना चाहिए और इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लटका देना चाहिए, या फिर आप अपने सिरहाने भी कुछ दिनों के लिए इसको रखकर सो सकते हैं। अगर आपको रात्रि को बुरे स्वप्न आते हैं, रात्रि को आपको निंद्रा ही नहीं आती या आपकी निंद्रा अचानक खुल जाती है, तब तो आप क्या करें कि अपने सिरहाने इसको रखकर आपको सोना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके ऊपर से जो नकारात्मक शक्ति होती है, बुरे दोष होते हैं, आकस्मिक दुर्घटना होती है, वह चीज़ें अपने आप ही बंद होने लगती है। अब दोस्तों, आपको चाहत है कि धन के मामलों के अंदर आपको विजय प्राप्त करना, आप चाहते हैं कि धन के मामलों में अंदर आपको बरकत देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपका व्यापार है, आपकी दुकान है, छोटी मोटी कैसी भी दुकान है या आपका व्यापारिक स्थल है, तो क्या करें कि इस नारियल को एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने व्यापार वाले स्थान पर आपको इसे नारियल को रख देना चाहिए। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर आपके व्यापार के अंदर इस नारियल की सकारात्मकता जो आपने नवरात्रि के पूजा के दौरान इस नारियल के अंदर डाली है, जिसकी वजह से आपके व्यापार के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है, आपका काम बन जाएगा, आपको आपके पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आपके कामों के अंदर आपको सर्व सुख लाभ प्राप्त होता है, आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता जाता है। अब दोस्तों, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर ही आप रखें, तो आप क्या करें, लाल कपड़े के अंदर बांधकर अपने घर के अंदर धन रखने का स्थान हो गया, अलमारी हो गई, तिजोरी हो गई, या फिर आप इसे अपने घर के पूजा घर के अंदर, या आपके ज्यादा जगह है तो घर के पूजा घर के अंदर भी रख सकते हैं। निश्चित तौर पर धन के मामलों में आपको विजय प्राप्त होगी। आप यह नहीं कहेंगे उसके बाद कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी है। अब दोस्तों, इसी तरह आप चाहते हैं कि आपके परिवार के मध्य, लोगों के मध्य प्रेम बना रहे, जैसे कि पति पत्नी के मध्य तकरार रहता है, संतान सुख आपको प्राप्त नहीं हुआ है, या फिर आपका विवाह ही नहीं हुआ है, आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, आप विवाह का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, पारिवारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों के मध्य में मतभेद मिटाना चाहते हैं, तब आप क्या करें, इस नारियल को एक पीले कपड़े के अंदर बांधें। क्योंकि दोस्तों, गुरु ग्रह अगर आपका मजबूत हो गया तो समझ लीजिए कि यह पारिवारिक दृष्टि से आपके जीवन के अंदर फिर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य नहीं आता है। तब आप क्या करें कि पीले कपड़े के अंदर इस नारियल को बांधकर आपको अपने शयन कक्ष के अंदर इसको स्थान देना चाहिए। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि जब भी शयन कक्ष के अंदर इस नारियल को रखें, उस समय आप शुभ मुहूर्त या लाभ का मुहूर्त देखकर ही आपको इसे स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर आने वाले महीने के अंदर अंदर आपको अच्छी खबर मिलने लगेगी, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, संतान के संबंध में आपको अच्छे समाचार प्राप्त होंगे, या फिर आपके विवाह की बातें, आपके विवाह की चीज़ें भी अपने आप ही संपन्न होने लग जाएगी। दोस्तों, इसी तरह अगर आप इस नारियल को अपने घर के द्वार पर भी लटकाते हैं तो आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नहीं आती, क्योंकि दोस्तों, यह जो आपने कई घरों के अंदर भी नारियल को लटकाए हुए देखा होगा, यह विशेष तौर से नवरात्रों के दौरान ही अभिमंत्रित होते हैं। आपको इस नारियल को अपने हाथ के अंदर लेकर दुर्गा चालीसा का, माँ दुर्गा के मंत्रों का, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ताकि जितनी ज्यादा हो सके वह नकारात्मकता आपके घर से दूर चली जाए और यह सकारात्मकता उस मात्र से समझ लीजिए कि चमत्कारी नारियल आपके दुखों को समाप्त कर देता है, आपके बिगड़े कामों को समाप्त कर देता है और आपका आपके धन के मामलों के अंदर विजय प्राप्त करवाता है। और विशेष तौर से दोस्तों, नवरात्रि के दौरान ही नारियल का चमत्कारी उपाय होता है। और दोस्तों, आप अगर बात करें तो नारियल के अंदर यह सकारात्मक गुण होता है कि नवरात्रि के दौरान आप जितना ज्यादा हो सके, जो सूखा नारियल आता है, आपको सूखे नारियल की प्रत्येक नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता रानी के आगे ज्योति करनी चाहिए, ज्योत आदि धूप हवन करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि दोस्तों, माता रानी को धुनी बहुत ज्यादा पसंद है। जो भक्त माता रानी की कपूर, धूप, हवन, लोबान, गूगल आदि से धूनी करता है और अपने घर के अंदर सूखे नारियल को जलाता है, उसके जीवन के अंदर माता रानी का एक तरह से देखिए प्रकाश होता है, सवेरा होता है और माता रानी को उस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, रहने के लिए आना ही आना होता है। तो आप निश्चित तौर पर इन उपायों को कीजिए, आप एक नारियल का चमत्कारी उपाय कीजिए, फिर आप अपने जीवन के अंदर कभी भी नहीं कहेंगे कि धन की कमी है या धन के मामलों के अंदर आपको किसी प्रकार
प्रकार का कोई दुख देखने को पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि नवरात्रि से जुड़ा यह उपाय जो कि नारियल विशेष का उपाय था आपको अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा या जय माँ भवानी या आपकी जो भी समस्या है कमेंट के माध्यम से बताएं। उसके बाद आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल के इस वीडियो को आप अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके और इस वीडियो का फायदा नवरात्रि के हर व्यक्ति अपने घर तक उठा सके। धन्यवाद मित्रों, जय माँ दुर्गा मित्रों।